सो जैन कैंडिडेट्स, देखो एक बात बता रहा हूँ, कैंडिडेट परेशान है। मतलब आज शाम से कुछ इस टाइप का मेल आ रहा है। बेसिकली नेवी ने थोड़ा सा सिस्टम इस बार अच्छे से, आई थिंक पहली बार था उनको इस तरह से करना था, या फिर उनका जो भी बना हो रिजल्ट में डिले हुआ हो, चीज़ें कुछ अलग अलग टाइप से हुई हैं। ठीक है, किसी को मैसेज आया उसका एडमिट कार्ड आ गया, किसी को मैसेज नहीं आया उसका भी एडमिट कार्ड आ गया, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया उसका भी एडमिट कार्ड, उसको भी मैसेज आ गया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड एग्ज़ाम। हाँ, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया उसका फिर सेकेंड का एडमिट कार्ड आ गया, किसी ने दिया तो आया, किसी ने नहीं दिया तो आया। इस तरह से चीज़ें इस पर कुछ घटित हुई हैं। तो नेवी ने फिर से फाइनल अपडेट के तौर पे, पहले तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा जो अपने घर से निकल चुके हैं और फेस मतलब देने जा रहे हैं आपको मेडिकल एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बस उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, रुकिएगा। पहले आपका रनिंग होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कैंडिडेट को आया, अभी देख सकते हो सबको आया टेलीग्राम पे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। अच्छा, आप सभी अपना जो आप देखिएगा जो आपका फॉर्म है, रुको मैं दिखाता हूँ। चलो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, आप सभी को पता होगा, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। जिन जिन लोगों ने किया है भाई मेरे, आप देखिएगा ऊपर आपका यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप में दिया है, जैसे आप रोल नंबर लिखा होगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उधर लास्ट एक कोई डिजिट है, 5 से 6 डिजिट है, आप उन्हें कॉमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आप उन्हें कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप क्योंकि आपका कोई एक सिंगल डिजिट से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन उतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया, क्योंकि आज मैंने उन डिजिट्स पे शॉर्टलिस्ट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर पे बेसिस फोकस किया, तो 11,000, फिर एक कैंडिडेट का 15,000 का भी मिला, उसे कम के भी मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है। तो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा, बताइएगा भैया इतने हैं। अब मैं दो चीज़ें बताता हूँ जो मुझे मिली उन कैंडिडेट जिनको लेकर परेशान थे। देखो यहाँ पर ये मेल आया था, स्टेज सेकेंड एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर 01/2023। आप सभी को एडमिट कार्ड मिला होगा और उसमें ये दिया था विदाउट क्लासेस एंड यहाँ पे विद क्लासेस नहीं था, लेकिन मेल के थ्रू उन सभी कैंडिडेट को बताया गया है। फर्स्ट नंबर पे क्या, योर एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकेंड ऑफ अग्निवीर 01/2023 जनरेटेड करंटली डाउनलोडेड। ओके ओके ओके, मतलब इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, मैंने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया, इतनी इंग्लिश आपको अच्छे से आती है। बेटर आई 6x6 वर्स आई 6x6। अब पहले विदाउट ग्लासेस था और यहाँ पे भी विदाउट ग्लासेस मेंशन कर रखा है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लो। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ एक मेंशन की, अगर आप चश्मा यूज करते हो तो उसके लिए भी इन्होंने ये चीज़ मेंशन करती है कि बेटर आई 6x6 होनी चाहिए और ख़राब मतलब अच्छी आँखें 6x6 होनी चाहिए और ख़राब आँखें भी आपकी 6x6 होनी चाहिए, ये इनका यहाँ पर कहना है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ता हूँ। और पीडीएफ पे दे रखी है, अब आज के जो एक मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओनली कैंडिडेट विथ हॉल टिकट एंडिंग इन MI 2028 BPL 209 MRD 3017 इज शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड ऑफ अग्निवीर 01/2023। मतलब कि कुछ इस तरह से जो इस तरह के जो मतलब एक ये नंबर टाइप में दे रखा है, हाँ, और इससे मतलब जो ख़त्म हो रहा है वही कैंडिडेट केवल अग्निवीर के लिए ऐसा स्टेज सेकेंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। प्लीज़ डू वेरीफाई विथ योर रजिस्टर्ड ईमेल रिगार्डिंग करेक्ट सिलेक्शन इन स्टेटस। मतलब आप अपने मेल से जाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं ऑफिशियल पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको लेके परेशान मत हो जाइएगा। ठीक है, जिनके एडमिट कार्ड आने हैं उनको फिर सेकेंड एग्ज़ाम देने जाना है। यही चीज़ें थी जिसको लेके कैंडिडेट का लाइक भैया ये मुझे आया है मुझे नहीं आया, तो यहाँ पे भाई कुछ ऐसा नहीं है। आप ही एक बार मैच कर लीजिएगा अपने हॉल टिकट नंबर से, और अगर फिर भी कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। हाँ, जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा डाउट आ रहा है तो मैं अपना मेल आईडी बता देता हूँ। ठीक है, मैं अपना मेल आईडी बता देता हूँ, क्योंकि मेल आईडी वाला रिप्लाई मैं पर्सनली कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हटके होता है। अब मैं टेलीग्राम का यूजर नेम बोल देता हूँ तो फिर बहुत मैसेजेस आ जाते हैं, फिर किसी के मैसेज का रिप्लाई ना करो तो वो फिर समझ रहे हो ना भाई मेरे, कि वो मतलब ऐसे समझता है कि अरे आप ऐसा करते हो भाई, आप रिप्लाई नहीं करते, आप ये नहीं करते, तो इस वजह से आप मेल पे कर दीजिएगा, क्योंकि मेल पे करने पे आपको भी टाइम लगेगा और किसी को टाइम नहीं देना होता। ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, मेल आईडी में लिख रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन
इतनी स्पेलिंग दोनों ओ की आती होगी, 9260@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पे अपना कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, हम वो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, बाकी इसको लेके परेशान मत हो, ठीक है। डियर कैंडिडेट, द सिलेक्शन इंटरव्यू फर्स्ट सेकंड अप्रैल, ठीक है ठीक है। मेल आईडी के भी पे इन्फॉर्म किया गया था आपका, पहले ही मैंने आपको बताया था, अब ये नया मैसेज आ रहा है तो आप एक बार मिला लीजिएगा, कोई परेशान मत होइएगा कि भैया ऐसा वैसा। अब सभी फेस सेकंड एग्ज़ाम देने चाहिए जिन्होंने फेस सेकंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। फेस सेकंड एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से परफॉर्म करिए, रनिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर आपका जैसे होना था वैसे ही होगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।